नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं साहिल न्यू गार्डन अलवतिया रोड आगरा में, जहाँ पे हो रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक विशाल सत्संग का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पे जितने भी वेद हैं शास्त्र हैं उन सभी के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ज्ञान बताया जा रहा है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं सत्संग स्थल की ओर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किताबों के लिए, किताब सेवा के लिए यहाँ पे कुछ किताबें जैसे ज्ञान गंगा है, अवतार और भी सारी किताबें हैं जिसके माध्यम से ज्ञान प्रचार किया जाता है। और यहाँ पे एंट्री करने के लिए भगत जी बैठे हुए हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं और अन्य सेवाएं भी यहाँ पे चल रही हैं, जल सेवा के लिए निःशुल्क जल सेवा, चायराम की सेवा यहाँ पे की जाती है, ये भी फोटोज़ वगैरह हैं उसके लिए अलग से स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पे आके आप ये सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलेंडर वगैरह भी अवेलेबल हैं, अगर किसी को चाहिए हो तो यहाँ से ले आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अलग अलग प्रकार के पोस्टर्स हैं जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आधार से जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी बताई जाती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जूता घर की स्पेशल व्यवस्था है, जो श्रद्धालु हैं उन सभी के जूते चप्पल जमा किए जाते हैं। इसी के साथ ही आइए चलते हैं सत्संग स्थल की ओर। आ चुके हैं सत्संग स्थल पर। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगी कि वे सत्संग स्थल का नज़ारा दिखाएं जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज LED के थ्रू अपना ज्ञान बता रहे हैं। मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के द्वारा सत्संग का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य सामाजिक कुरीति का विनाश करके स्वच्छ भारत का निर्माण करना है। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या नाम है आपका? रघुवीर दास है नाम, दास का नाम रघुवीर है। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने से लोगों को क्या क्या लाभ होते हैं? आज हमारे बड़े पुण्य भाग है कि आज हमें लाभ के बारे में जानकारी हो रही है। पहले जब हम संत रामपाल जी महाराज से पहले जब हम जय गुरुदेव में जुड़े हुए थे 20-25 सालों से, तो वहाँ पर लाभ की बात करते थे तो ऐसा लगता था कि ये भक्ति जो है स्वार्थ में की जा रही है। कहते थे भक्ति स्वार्थ के लिए नहीं की जाती, लाभ के लिए नहीं की जाती है, भक्ति तो भगवान को प्राप्त करने के लिए की जाती है। तो हमने पिछले समय में 20-25 साल जय गुरुदेव में गुजार दिए तो हमें कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि भक्ति लाभ के लिए होती नहीं थी। लेकिन आज जब हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए और हमने देखा कि भाई लाभ क्या चीज़ होती है, तो उनकी शरण में जब हम आए ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़कर, तो हमने यहाँ पर आकर देखा कि वास्तव में ही कि संतों की शरण में जाने से और लाभ भी मिलता है। तो हमने ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर देखा क्या लाभ मिलता है, तो वही बड़े अनमोल लाभ मिलते हैं। जैसे हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया तो उनका नाम लेते ही हमारे अंदर में जो बुराइयाँ थी वो बुराइयाँ दूर हो गई। जैसे बीड़ी पीने की, कोई दारू पीता है तो दारू पीने की, चरस भांग अफीम गांजा, ये जितनी भी बुराइयाँ थी वो मात्र उस नाम के पावर से ही खत्म हो गई। तो ऐसा अनमोल ज्ञान हमने संत रामपाल जी महाराज के शरणों में देखा है और यहाँ देख रहे हैं कि मतलब जो निःशुल्क शादियाँ होती हैं और मतलब जो है कि जो सामाजिक कुरूतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, वो दूर की जा रही हैं। जो समाज में ये बहुत बड़ी मतलब जो है कि दुख का कारण था, माता बहनों को और मतलब दहेज के लिए सताया जाता था और बेटियों को गर्भ में मरवा दिया जाता था, आज संत रामपाल जी महाराज के दरबार में निःशुल्क शादी होती है केवल 17 मिनट में, और 33 करोड़ देवताओं का आवन करके और 17 मिनट में निःशुल्क शादी हो जाती है, हत्या लगाना फिटकरी। ऐसा संत रामपाल जी महाराज का अनमोल ज्ञान मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। ये जीवन में हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि ऐसा भी कोई भगवान होता है जो बुराइयाँ दूर कर देते हैं। नाम लेते बहु सिंधु सकाई करो विचार देखो मन माई, हम सत्संग सुनते थे सुनाते थे तो नाम लेने से प्राइयाँ दूर हो जाती, वो नाम आज तक मिला नहीं, वो आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में। सर एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी मैं आपसे कि आपने जय गुरुदेव जो पंथ से आपने इतने दिनों से दीक्षित थे, तो आपने वो पंथ क्यों छोड़ा, आखिर क्या कारण रहा? वो इसलिए छोड़ा था, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते थे कि वो महापुरुष आ गया है जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ, वो शक्ति आ चुकी है जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। और बाबा जय गुरुदेव कहते थे जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का, हम उनसे पूछते थे कि भाई अगर वो कौन है प्रभु, तो बाबा जय गुरुदेव ने कहा तो वो प्रभु मैं भी समय का इंतजार कर रहा हूँ, राम ने भी इंतजार किया, कृष्ण ने भी इंतजार किया, वो प्रभु समय का इंतजार करने के बाद आता है। तो वो बाबा जय गुरुदेव ने बताया 7 सितंबर 1971 में तो वो शक्ति आ गई जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ, वो एक छोटे से गांव में और जन्म ले चुका है, वो पूरी दुनिया का तारणहार है। तो जब हमने उनके मुख से सुना तो हमने सोचा जरूर कोई महापुरुष है जो बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं, तो उनकी भविष्यवाणी को सुनकर और जब हमने
संत रामपाल जी महाराज की ये ज्ञान गंगा पुस्तक है जो गली गली मोहल्ले में और देश विदेशों में सब जगह प्रचार की जा रही है। उस पुस्तक को जब हमने पढ़ के देखा और उसमें वही बात दी हुई थी, बाबा जय गुरुदेव के अनुसार वो महाशक्ति और वो तारणहार संत रामपाल जी महाराज हैं जो इस जरा धाम पर और धनाना गाँव में अवतारित हो चुके हैं। ऐसी ही न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए ANDC न्यूज के साथ। दोस्तों, जैसा कि सिविक रुए ने आपको संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स से कुछ जानकारी उपलब्ध कराई, जिसमें पाया गया कि संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी अनुयायी किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करता। कहा जाता वो भी संत नहीं जिससे चमत्कार न होते हो, और वो भी संत नहीं जो चमत्कार करता है, क्योंकि संत से चमत्कार होते नहीं, होते हैं संत चमत्कार करते नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी फॉलोवर्स हैं एवं उनसे दीक्षा लेने के बाद जो भी सदभक्ति करता है उसे सांसारिक ही नहीं, आर्थिक ही नहीं, मानसिक सभी लाभ प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से लेटेस्ट न्यूज जानने के लिए बने रहिए हमारे ANDC न्यूज पर।